अच्छों से यहाँ पे रोड का इनॉग्रेट किया गया, इसके हवाले से बताएं। सर आज जो ये रोड है सेंटर सलोत्री टू पटिया 4 किलोमीटर रोड है, 5 करोड़ का है प्रोजेक्ट, तो इसकी आज इनाग्रेशन गनी साहब के हाथों मेरी मौजूदगी में जो है वो हमने आज यहाँ से करवाई है। तो ऐसी बहुत सी रोडें हैं आने वाले वक्त में और अभी भी जो चल रही हैं, आप टी जंक्शन टू सेंटर दरा दुनिया वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और भी ऐसी 3-4 रोडें जो हैं नबार्ड में वो उनका काम जो है स्टार्ट चल रहा है निगरानी में, गनी साहब की निगरानी में। तो मैं और आज के जितने भी सलोत्री की जो आवाम इस वक्त आई है मैं इनको बताता चलूँ, जैसे सरदार अमरजीत जी ने अजीत जी ने जो अपने रखी हैं एक दो मेन मसले, वो रोडें भी हम आने वाले जो प्लान बनेगा इस साल हम उसमें ज़रूर इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश करेंगे रखेंगे। बाकी हमारे हाजी साहब ने बोला है आगे क्या नाम है बैठे हुए रोड हमारी बनी, काफ़ी देर से हमारा काम चल रहा था रोड का, ये अधूरी पड़ी हुई थी, तो अल्लाह का शुक्र है गनी साहब भी आए यहाँ, ये रोड करवाई इनने, एक रोड नहीं है 2-3 रोडें सोती, जैसे एक हमारी 5 नंबर एक 3 नंबर पे बन रही है, एक 5 में भी बनी है जिसकी आज 7-8-9 को भी कंटेक्ट कर रही है, तो इंशाल्लाह हम इनका भी उम्मीद रखेंगे ऐसे काम होंगे, काम होंगे तो लोग भी इंशाल्लाह इनके साथ जुड़ेंगे। इससे पहले तो जो भी काम होगा आप देखें ग्राउंड पर कुछ भी नहीं था, हम LOC पे रह रहे हैं तकरीबन, इधर से 3 किलोमीटर बढ़ रहे हैं हमारी, यहाँ रोड की बड़ा बुरा हाल है, जो हमारी वार्ड नंबर 1 है उसमें भी रोड नहीं, हम चाहते हैं इंशाल्लाह ये हुआ वो भी होगी रोड इंशाल्लाह, तो हम इसमें खुश हैं इंशाल्लाह ऐसे काम होता रहे तो रोडों का, तो हम इंशाल्लाह पब्लिक जुड़ी देगी इनके साथ। ठीक है, जैसे कि आपने अभी बाकी से भी मेरे भाइयों से इंटरव्यू किया, इसमें कोई शक नहीं कि ये रोड जो है वो नहायती ज़रूरी थी, गाँव में ये पटिया गाँव या और दीगर जो भी गाँव सुधरी इजलास में जो आज तक रोड जिनके पास नहीं जा रही थी, पब्लिक को कोई सहूलियत नहीं थी, ये रास्ते से एक घोड़ा लेकर भी जाना मुश्किल था, तो आज हर घर में गाड़ी पहुंच सकती है, ये रोड कंप्लीट होने के वजह से सुरोत्री में भी जो रोडें कंप्लीट हो रही हैं, सब मेहरबानी जो है हमारे DDC चेयरमैन जो है DDC अपने मोदी साहब, इन्होंने इंटरेस्ट लेकर आज तक गाँव में जो भी काम किया इसमें कोई शक नहीं, काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। हाँ, ये जो रोड है ये नबार्ड रेड 27 के अंडर एक काम है, ये अप्रूव हो चुके हैं एट द कॉस्ट ऑफ 5.31 करोड़। ठीक है, ये इसका जो टोटल प्रपोजल लेंगे थे वो 4 किलोमीटर है, इसमें जो रोड का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हर एक कंपोनेंट टच है, जिसमें है अर्थवर्क ग्रेड 2nd, ग्रेड 3rd BT, इसमें ड्रेनेज भी है, RCC कलवर्ट भी है, होम पाइप कलवर्ट भी है, इसमें ब्रेस्ट वाल भी है, रिटेनिंग वाल भी है, BT भी है, सेमी डैमेज भी है, हर एक चीज़ में रखा हुआ है। और इसके आज कंसर्न वर्दी DDC उदलगिरी साहब और कंसर्न DDC जमीर कोहली साहब ने इसकी आज संग बुनियाद भी डाली है, पब्लिक के होते हुए यहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में हो गए, और मेरी पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो इसमें हमें हर एंगल से सपोर्ट करें, क्योंकि हमें इसको अपग्रेड करना है, जहाँ से पहले इसी प्लान में 50% उसका रोड बन चुका है, उसके वो काफ़ी तंग थी, नैरो थी, इसकी अपग्रेड करनी है, तो अपग्रेड के साथ साथ हमें खाली इसकी वायरिंग नहीं करनी है बल्कि इसका एक ग्रेड भी एज़ पर द प्रोविजनल रखना है, तो ग्रेड मेंटेन करने के लिए मेरी जनरल पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है कि वो इसमें हमें सपोर्ट करे बाई प्रोवाइडिंग लैंड, बाई प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन डिलीवरी सेल्स। थैंक यू सर। रहमान रहीम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जो मिशन लेके हम निकले थे हमारा मिशन था डेवलपमेंट, क्योंकि पिछले 70-75 साल से लोग वोट देते आए लेकिन हमारे लोगों के साथ हमेशा वादे किए गए, वादा वफा नहीं किया गया, तो जब से हमारे यहाँ BDC का इलेक्शन हुआ उसके बाद DDC का इलेक्शन, तो इस अरसा 1.5 साल का जो अरसा हमारा गुजरा है इसमें मेरे अल्लाह ने इतना कर्म किया, हम LG एडमिनिस्ट्रेशन के भी शुक्रगुजार हैं कि हमने जो भी प्लानिंग की, जहाँ जहाँ हमने डिमांड की वो हमारे सारे काम जो हैं वो आज मंजरे आम पर ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हम सलोत्री पंचायत में खड़े हैं, इसी पंचायत की ये दूसरी रोड है जो सेंटर सलोत्री से मल्ला पटियाँ जलास तक जाती है, तो ये 4 किलोमीटर रोड का आज काम स्टार्ट किया गया है, जिसकी लागत जो है वो 5 करोड़ 30 लाख रुपए है, ये अंडर नबार्ड सेंक्शन हुई है, तो इसके लिए जिस तरह PWD डिपार्टमेंट ने भी काम किया है और ख़ासकर मैं
पीडब्ल्यूडी के हमारे एडब्ल्यू साहब हैं, इनका और इनकी पूरी टीम का और एक्सचेंज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मेहनत की, टाइमली इस सारा वर्क जो इन कागजी प्रोसेस था वो इन्होंने कंप्लीट किया, तभी मुमकिन हुआ कि आज हमने इस रोड को जो है यहाँ सलोत्री से जो है शुरू किया है। तो इसके लिए मैं यहाँ की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने हमें चुना, हमें वोट दिया और आज ये उन लोगों के वोट की वजह से आज अगर ये रोडें स्टार्ट हो रही हैं। पीएचई की स्कीम जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कंप्लीट हो जाएगी और इसी तरह सड़कों का दूसरा तीसरा जहां भी मैंने उनको कहा है, आपको जहां ज़रूरत महसूस होती है, मैं सारे सरपंच साहिबान से कहता हूं हम सियासत करेंगे जब इलेक्शन आएगा, आज आप हमारे साथ मिल के चलो और ये 3-tier सिस्टम जब इकट्ठा होगा एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे आगे झुक जाएगी, लेकिन अगर हम बिखरे रहे तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहती है ये बिखरे रहे, हमारा वक्त आराम से गुजर जाए। तो मैं आखिर में यहाँ जितने भी आए हुए साथी हैं, डिपार्टमेंट के एडवली साहब हैं, जय साहब हैं या और भी जितने यहाँ मौजीन आए हैं सलोत्री के इजलास के, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर हमारी मीडिया की जो चौथी आंख है, ये डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, वो अलग बात है आजकल पिलर जो है खोखला कर दिया है, लेकिन आप लोग जहाँ पहुँचते हैं वहाँ किसी की आंख नहीं पहुँचती और कुछ काम मैं करता हूँ आपकी निशानदेही की वजह से भी मैं करता हूँ, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आखिर में तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद।